बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में, मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा चढ़ी होगी ना, उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से दिल से जो चाहते हो, धन वैभव संपदा सत्ता या रोग से मुक्ति चाहे उधर से जुड़ी हो। हाँ एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिवजी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना, और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है घर में, ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आ रही है। बैसाखी तीज आ रही है, अक्षय तृतीया, सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना उसका दान अवश्य करना, कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। तीन चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है, रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया भस्म, चंदन, बेलपत्र, शिवजी पर चढ़ी हुई कोई भी सामग्री व्यक्ति के जीवन का ना जाने कितने जन्म के पापों को काट देता है, ना जाने कितने जन्म के पाप। कि बैसाख महीने में पवित्र वृक्ष के जड़ में एक लोटा जल समर्पित कर देने पर और वहां की जो रज है उसको मस्तक पर चढ़ा लेने पर 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों से। शाम के समय पर माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को पाल नहीं बांधना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है, जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना, मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ, मेरा काम है उनका कल्याण करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करना, ये तेरा काम है।